तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में आपको मैं सिमसिम में लगे हुए लॉक स्क्रीन को अनलॉक करने का एक ट्रिक सिखाने वाला हूं। जी हां फ्रेंड, ये 2024 जून सीजन का ट्रिक है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लास्ट तक वॉचिंग करना। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे, मात्र 2 से 3 मिनट का वीडियो फ्रेंड, यदि इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लोगे तो आपका कोई भी सैमसंग का फोन हो, यदि आपसे लॉक हो गया है पासवर्ड पिन पैटर्न में और आप अपने फोन को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, तो आप घर बैठे अपने हैंडसेट को अनलॉक करना सीख जाओगे और आपका डाटा भी डिलीट नहीं होगा, ना हमें कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ेगी और ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करना होगा। तो आपको करना क्या है, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे न्यू वीडियो या न्यू ट्रिक आप सभी के लिए मैं यूट्यूब पर मैं अक्सर लाता रहूं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हमारा फोन लॉक है। पासवर्ड पिन पैटर्न, आपके फोन में जो भी लॉक लगा हो, पासवर्ड पिन पैटर्न अनदर कोई भी लॉक, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, सिर्फ या तो अपने फोन में से सिम कार्ड को निकाल लो या तो अपने फोन का एयरप्लेन मोड का ऑप्शन ओपन कर लो। ये दो काम में से कोई एक वर्क आपको करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आपको लॉक स्क्रीन पेज पे आ जाना है। लॉक स्क्रीन पेज पे आ जाने के बाद आपको इमरजेंसी कॉल का पेज का ओपन करना है। इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे एक डायल पैड का ऑप्शन होगा, इस पे भी क्लिक करना है। आपका डायल पैड ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको FRP अनलॉकिंग कोड यूज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कोड डायल करता हूँ, इस कोड को आप देख के अपने फोन में कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी कर लोगे तो इस कोड को आप ध्यान से अपने फोन में कॉपी कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये कोड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायचांस कभी भी गलती से मिस्टेक से आपका ये कोड एक भी छूट जाता है तो आपका फोन अनलॉक नहीं हो पाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस कोड को आपको एक्टिवेट करना है। कॉल पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आ रहा है हमारे स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ पे परमिशन में ओके करना है। ओके पे प्रेस करेंगे एंड देन इस कोड को हम इरेज कर लेंगे। जब ये हमारा वर्क कंप्लीट हो जाए, अब आता है हमारा सेकेंड कोड जो कि डाटा रिकवर कोड है। यदि आपके फोन में कोई भी डाटा रिकवर करना है तो मात्र इस कोड का आप यूज कीजिएगा। इस कोड के माध्यम से आपका डाटा घर बैठे ही रिकवर हो जाएगा, चाहे इमेज हो, वीडियो, कॉन्टेक्ट नंबर हो, जीमेल हो, अदर एप्लीकेशन हो, फाइल हो या कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल हो, ठीक है। तो आपको फिर से कॉल पे क्लिक करना है, स्क्रीन पे ओके ऑफ लगा, ओके पे प्रेस करके एंड देन इस कोड को हटा लेना। दोनों मेथड कंप्लीट होने के बाद आपको होम बटन को क्लिक कर देना है, ठीक है। जब ये क्लिक, आपका स्क्रीन ओपन नहीं होगा, अनलॉक नहीं होगा, आप लॉक स्क्रीन पे फिर से आ जाओगे। फिर आपको इमरजेंसी कॉल का पेज को ओपन करके डायल पैड को ओपन करना होगा। ये ओपन हो जाएगा, फिर आपका हार्ड रीसेट कोड यूज होगा, *#899 और ये हैज। ये कोड को डायल करने के बाद आप तो या आफ्टर सेल के पेज पे आओगे या तो इंजीनियर मोड के फाइल पे। आपको मैनुअल टेस्ट का ऑप्शन को ओपन करना है, सेकंड नंबर डिवाइस पे आना है, नीचे आके OTG टेस्ट को ओपन करना है। ये 20 सेकंड का आपका OTG टेस्ट चलेगा, आपको यहाँ पे 20 सेकंड वेट करना होगा। चलिए हम भी वेट करते हैं, आपको भी वेट करना बहुत ही जरूरी है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये जैसे ही आपका जीरो हो जाए तो आपको इसे बैक कर लेना है, ठीक है। जीरो हो जाए बैक कर लेना है, हम 10 बैक कर लेंगे और एम सेंसर ऑटो टेस्ट पे क्लिक करेंगे, टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। होम बटन को क्लिक करेंगे, अब हमारा लास्ट ऑप्शन कोड है हार्ड रीसेट *#81230#, ये कोड डायल कर लेंगे, इसे कॉपी करना, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 5 ऑप्शन आएगा, कॉल कट कॉपी शेयर और 3 डॉट। आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन आएगा, मैसेज पे क्लिक करना है। मैसेज पे आ जाइएगा ऑटोमेटिक, फिर होम बटन को क्लिक कीजिएगा, आपका सैमसंग का हैंडसेट घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।